नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों हाजिर हूँ एक बहुत बड़ी जानकारी के साथ। रेलवे भर्ती 2018 यानी कि तकरीबन 90,000 पदों के लिए जो वैकेंसी निकाली गई थी रेलवे में, उसके एप्लीकेशन स्टेटस का लिंक डाल दिया गया है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, एक्सेप्ट हुआ है। दोस्तों तो आप वेबसाइट पर जाके, आरआरबी की जो वेबसाइट है उन पर जाकर के आप अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है, रिजेक्ट हुआ है। अगर रिजेक्ट हुआ तो उसका एक ही रीज़न रेलवे ने बताया कि इनवैलिड फोटोग्राफ्स, यानी कि आपका फ़ोटो में कुछ गलती है या आपकी फ़ोटो की जगह किसी दूसरे की फ़ोटो अपलोड की गई है या फिर उसका साइज कम कर दिया गया है। तो इन्हीं के कारण अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है तो दोस्तों बड़ी खबर, 20 जुलाई से पहले आपको इसमें सुधार करना है। और यहाँ पर देख रहे होंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स यानी कि आरआरबी, इंपॉर्टेंट नोटिस फॉर कैंडिडेट्स सीएन, यानी कि ये नोटिस फिलहाल जो एएलपी यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट और जो टेक्नीशियन का जो पहला विज्ञापन था उसी के लिए किया गया है। और इसमें मॉडिफिकेशन ऑफ इनवैलिड फोटोग्राफ्स, यानी कि आप अपने फ़ोटो में सुधार कर सकते हैं। आप जब वेबसाइट पर जाएंगे चेक करेंगे तो आपका रीजन लिखा मिलेगा कि आपका किस वजह से फॉर्म रिजेक्ट किया गया है। सिर्फ असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन का ही मिलेगा आपको। तो आपका ये रीजन अगर फोटोग्राफ से संबंधित है तो आप उस फोटो को चेंज कर सकते हैं। और उसको चेंज करने की जो अंतिम तिथि है दोस्तों 12 बजे तक, 20 जुलाई की रात 12 बजे तक आप इसमें बदल सकते हैं। और ये कर ही दें काम, क्योंकि काफ़ी अरसे बाद लंबी वैकेंसी निकाली रेलवे ने, काफ़ी अच्छे पद निकाले। और अगर फोटोग्राफ के कारण आपका फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है तो आप उसको देखिएगा, अपने स्टेटस को चेक करिएगा और उसके बाद अगर फ़ोटो में गलती है तो उसको सुधार करिएगा। और ये यहाँ पर राजस्थान पत्रिका की भी खबर देख सकते हैं, 20 जुलाई तक बदल सकेंगे फ़ोटो। तो इसमें दोस्तों दोनों को आप बताया गया है कि ग्रुप डी की फ़ोटो भी आप चेंज कर सकते हैं। तो लेकिन ग्रुप डी की फ़ोटो का अभी तक यहाँ पर स्टेटस रेलवे भर्ती बोर्ड ने नहीं डाला है। तो इसमें फ़िलहाल एएलपी और टेक्नीशियन का ही है। तो रेलवे जैसे ही ग्रुप डी का नोटिफिकेशन डालेगा कि इनवैलिड या गलत फ़ोटो के कारण आपका फॉर्म रिजेक्ट किया गया, तो उसमें भी आपको सुधार का मौका मिलेगा। और ये दिखा देता हूँ कि इम्पोर्टेंट नोटिस फॉर CN02/2018 यानी कि ग्रुप डी के लिए ही है। इसका देखते हैं स्टेटस। इसमें बता रहे कि रिप्रेजेंटेशन रिसीव्ड फ्रॉम द कैंडिडेट ऑफ CN02/2018 Level 1 पोस्ट रिगार्डिंग इनवैलिड फोटोग्राफ्स आर अंडर एग्जामिनेशन। रिवाइज स्टेटस फॉर CN02/2018 सेल बी अपलोडेड शॉर्टली ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट। यानी कि जैसे ही ग्रुप डी का जो इनवैलिड फोटोग्राफ्स हैं यानी कि गलत फ़ोटो के कारण आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, तो वो प्रक्रियाधीन है। और रेलवे जैसे इस काम को पूरा कर लेगा तो वो ग्रुप डी में भी जो फॉर्म हैं उनकी फ़ोटो को बदलने का नोटिस रेलवे की वेबसाइट पर जारी कर देगा। तो दोस्तों पहले आप टेक्नीशियन और लोको पायलट की फ़ोटो चेंज कर सकते हैं, पहले स्टेटस चेक करिए, उसके बाद अपना फ़ोटो चेंज करिए। और इसके लिए 20 जुलाई है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय